वैदिक प्लास्टर के वितरक करण सिंह ने उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर को गाय के गोबर से निर्मित दिए भेंट किए। बेही मंडी उपायुक्त ने लोगों से अनुरोध किया कि इस बार दिवाली के त्योहार में गौ में दीपक जलाएं और इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं। आपको बता दें कि ये दिए सैरिंग मंच मंडी में संस्था द्वारा स्टॉल के माध्यम से सेल भी किए जा रहे हैं। संस्था द्वारा कोटली में एक इनोवेशन यूज करके गाय के गोबर से दिए बनाए इस बार और कुछ उन्होंने मुझे भेंट भी किए है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ग्रीन दिवाली को लेकर ये बहुत अच्छा एक इनका प्रयास है और इन्होंने जिस तरह से दिए लाए हैं, मैं लोगों से अपील करता हूँ कि इसी तरह के दिए का इस्तेमाल करें, एक ग्रीन दिवाली हम मनाएं और नेचुरल प्रोडक्ट से हम जितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं दिवाली में, उतनी हमारी दिवाली भी बहुत अच्छी रहेगी और पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जी नमस्कार, मेरा नाम करण सिंह है और मैं कोटली चलो गांव का निवासी हूँ और हमने इस बार दीपावली में गोबर से बने दिए बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के तहत मिशन है कि 11 करोड़ फैमिली में हर एक दिया गोबर का जलना चाहिए। गोबर का दिए का मिशन हमारा ये है कि जिससे हमारी जैसे देसी गाय हैं जिसका अस्तित्व ख़त्म हो रहा था, क्यों ना फिर से उनको अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाए और गौ में दीपक जब जलेगा तो पर्यावरण के लिए भी वो शुद्धिकरण का काम करेगा जिसका ये कोरोना काल चला हुआ है। तो हमने छोटी सी पहल की हुई है इस लॉकडाउन में, तो हमने गौ में दीपक बनाए हुए हैं। गौ में हमारे पास धूप है, हवन कुंड है, मास्क है। दिवाली को लेकर इस बार कितने दिए बनाए आप? दिवाली के लेकर हमने तकरीबन 1000 या 2000 दिए बनाए हैं। और कौन कौन से लोग जुड़े हैं आपके साथ? सर, मैं इस मंडी डिस्ट्रिक्ट का वैदिक प्लास्टर का वितरक हूं और हमारे साथ एकता स्वयंसेवी समूह है जो हम सभी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लगभग कितनी महिलाएं हैं आपके साथ? हमारे साथ तकरीबन 11 महिलाएं हैं, वो पूरी तरह काम कर रही है इसमें। मास्क यूज़ करने, जैसे आपने मास्क यूज़ कर लिया तो इसको आप अपने गमले में डाल दो, खेत में डाल दो, एक खाद का काम भी करेगा और इसमें वनस्पति बीज डले हुए हैं वो उग जाएंगे और चारों तरफ हरियाली हो जाएगी।